बीते दिनों टीएमसी की नेत्री कुमारी सुजाता मंडल खान ने अनुसूचित जाति के लोगों पर विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिस मामले में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने सोलन में एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा व मांग की कि इस नेत्री पर उचित कार्यवाही की जाए। पूर्व सांसद व अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि टीएमसी की नेत्री ने अनुसूचित जाति के लोगों को भीखमंगा बताया है। उन्होंने कहा कि संबंधित नेत्री पर उचित कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समूचे देश में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा ज्ञापन के माध्यम से उचित कार्यवाही की मांग की गई है। जैसे आपको मालूम है कि कुमारी सुजाता ने अनुसूचित जाति को भिखमंगों की जो है वो संज्ञा दी है, जो एक बहुत ही अपमानजनक जो है शब्द सभी अनुसूचित जाति के लोगों के लिए महसूस हुआ है और हम उसका बहुत विरोध जो है वो करते हैं और अपना अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का इस विरोध में जो है वो महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन में टीएमसी की नेत्री को जो है तुरंत उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने का जो है वो हमने आग्रह किया है। और हमें खेद है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी ने तो समस्त देश में जो है वो इस प्रकार के ज्ञापन देकर उसका विरोध किया है और एक तरफ से कांग्रेस और दूसरी विरोधी पक्ष की जो पार्टियां हैं वो कहते तो ये हैं कि हम अनुसूचित जाति दलितों के पिछड़ों के जो हैं बहुत मसीहा हैं और जिनके बलबूते पर उनकी सरकारें कई कई वर्षों तक जो है वो केंद्र में और प्रदेशों में चलती आई है, परंतु आज जो है इनमें से इन सब के जो है मुंह बंद हो गए, मानो जैसे इनको अनुसूचित जाति से कोई लेना देना नहीं है। पीएलटीवी के लिए सोलन से अमरप्रीत की रिपोर्ट।